इसरो ने एक और बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। आज इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक को लॉन्च किया। इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम पुष्पक है। एक रॉकेट जिसका नाम है पुष्पक सक्सेसफुल टेस्ट किया है रॉकेट का, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो इंडियन लोग ना, आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। एंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं, और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग ये हमें जाहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुँच गए या वहाँ पे पहुँच गए, ये जाहलों वाली बातें हैं। आप नहीं मानते चांद पे कैसे पहुँच जाएंगे, सियारा भेजते हैं अपना। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा, मुल्क की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहेगा। पुष्पक विमान खला के अंदर जो है दूसरे ममालिक की जासूसी करने के भी काम आ सकता है, और इसी के साथ साथ वक्त पड़ने पर दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। शोबे की अगर बात कर लें, आपके शोबे में भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? बहुत आगे है। भारत में एक हुबरिस सा है, एक एरोगेंस सी आ गई है कि जी हम तो अब राइजिंग पावर हैं, अब तो हम अगले 5 सालों में $5 trillion की इकोनॉमी हो जाएंगे। पाकिस्तान तो ये बेचारा बहुत ही पीछे रह गया है, तो इनके साथ हमने क्या इंगेज करना है? नहीं, ये बात नहीं है। चांद पर भी पहुंच गए, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग ये हमें जाहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जाहलों वाली बातें हैं। जाहलों वाली बातें, आप नहीं मानते चांद पे कैसे पहुँच जाएंगे, पहुँचते हैं सियारा भेजते हैं अपना। नहीं नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है, फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन करते हैं, आवाज कैसे आ जाती है, ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है ये? हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने कैसे बनाया? जादू हो रहा है क्या? दूसरे की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज हवा में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उसे ही उड़ता है। कैसे निजाम बना हुआ है? साइंस ने बनाया ना? जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना हवा जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी है तो वो चांद तक पहुँचे है ना? नहीं नहीं, चांद तक नहीं पहुंच सकते इंशाल्लाह, वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सूरज तक पहुंच गए, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे हैं कि हम तो मानते ही नहीं। नहीं नहीं, ये गलत बात है, हम नहीं ऐसी बात चलाते हैं। जी बिल्कुल। वो कैसे चल जाती है बाइक? हाय अल्लाह, वो कैसे चलती है? वो देखे जैसे सारे चलाते हैं, वो उसका सिस्टम एक ही है, पेट्रोल डलता है, वो स्टार्ट करें वो चलती है। स्टार्ट करते हैं तो खुद ही कैसे चल जाती है? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये क्या हो रहा है? देखे आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है इंशाल्लाह हम भी करेंगे, क्यों नहीं, हम हमारे पाकिस्तानी काम नहीं है। चांद तक नहीं पहुंच सकते वो? ये वो नहीं पहुंच सकते इंशाल्लाह, वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं वो ऊपर, पूरी दुनिया ने देखा है, नवाज शरीफ तक उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए कि देखो भाई इंडिया चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ है। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट जाकर सुने, चाइना तक ने कह दिया भाई हमें बताओ तुम लोग चांद के उस हिस्से में कैसे पहुंच गए, हम कहाँ बैठे हुए हैं। देखे ना उनकी पब्लिक भी तो देखे ना कितनी ज्यादा है, हमारी 20 करोड़ वाम है या 25 करोड़ है। आपने कहा भारत आगे नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्होंने दूसरों को चीट किया है। किसको चीट किया? देखा जाए तो बस पाकिस्तान में भी इतना पैसा नहीं है जितना उनके पास है। तो कैसे आया पैसा उनके पास? मेहनत करके। मेहनत उन्होंने किस तरह से की है ये भी तो बताए ना आप, किस तरह से नहीं की है आप बता दें। मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ अभी तक सिर्फ लूटमार की है। लूटमार कैसे की है? लूटमार इस तरह की है कि पाकिस्तान तो कुछ बना ही नहीं है। जब पाकिस्तान बनेगा तब हम किसी को समझेंगे कि वाकई कहीं कोई तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान अगले 100 साल ना बने, अगले 100 साल तक हम तरक्की ना करें, भारत वो आगे निकल जाए हमसे और तब भी हम नहीं मानेंगे, हम ये कहेंगे हम कुछ बन के आएंगे फिर हम तस्लीम करेंगे तुम लोगों ने तरक्की की। वो लोग खा रहे हैं सारे, हमारा पैसा भारतीय खा रहे हैं। हाँ जी। कैसे? बस देख ले महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी। अच्छा। गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। आपको किसने कहा? कैसे? बस इसी तरह मैं भी सुनती हूँ ना। कैसे पाकिस्तान का पैसा इंडिया कैसे जा सकता है? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने, आपका ये सूट है ये होएगा 1000 रुपए का, नहीं महंगा है। एक सेकंड, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर होएगा ये 1000 रुपए का,
वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ, इंडिया को कौन पहुंचा के आ रहा है ये पैसे, ये तो बता दे। ये तो इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है, वो तो खुद पांचवें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं तो वो अमीरी में बैठे हैं। हमारा पैसा जजमेंट कर लेना, हमारा पैसा वहाँ तक कौन पहुँचाता है? हमारे जो है लीडर हैं या जो हमारे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो उनके अंडर में आ जाते हैं। यानी कि भारत ने आपको बचाने की खातिर वो कहते हैं कि हम चलो हमारे ऊपर कोई आए ना, हम बच जाएं, हम इनको दे के अपने आप को बचा लें। भारत का जो इसरो डिपार्टमेंट है वो एक स्पेस शटल पर काम कर रहा है जिसका नाम है पुष्पक विमान। इस शटर को जो है यूज़ किया जाएगा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और ये शटर जो है खला में सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद ज़मीन पर दोबारा लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के इस प्रोजेक्ट पर? खासकर इसरो जो है आए दिन कोई ना कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम देता रहता है। पहले हमने देखा चंद्रयान 3 मिशन जो है उन्होंने कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, फिर अब वो गगनयान मिशन पर काम कर रहे हैं। मतलब 3 जो अपने एयरफोर्स के बंदे हैं, 3 से 4 उन्हें खला में भेजेंगे, वो खला की स्पेस की स्टडी करेंगे और उसके बाद ज़मीन पर वापस आएंगे। अभी खास कर अगर हम बात करें पुष्पक विमान के हवाले से, इस मिशन के हवाले से आपकी क्या राय है? आई मीन इट्स टोटली रिमार्केबल कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पर पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मीन्स के वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले उन्होंने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे, तो अभी उन्होंने ऐसा किया था, चाइना हो गया, रशिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गया, अमेरिका, काफ़ी बजट, काफ़ी बिलियंस डॉलर्स लगा के वहाँ पे पहुँचे थे, मगर ये लोग रुपए में ही पहुँच जाते जुगाड़ लगा के। तो जो ये इनका भी मिशन जा रहा है, इन्होंने भी यही करना है। इन्होंने बेसिकली स्पेस एक्स के नज़रिए को एक अलग लेवल दिया। अब वो एक्चुअली ये है कि अब चूंकि वो पहले तो अमेरिका को तेल चाहिए था, तो तेल के लिए पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन था कि अगर इराक पे हमला करना है तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए, अगर अफगानिस्तान को इन्वेड करना है तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए। अब मामला ज़रा बदल गया है। अब चूंकि चाइना एक बड़ा हरीफ बन के उभर रहा है इस खत्ते के अंदर अमेरिका के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो पाकिस्तान उसके लिए एक बेस्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ना कुछ बहरहाल फॉरन जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो इंडिया इज़ दी ओनली ऑप्शन, क्योंकि इंडिया के बहरहाल कुछ तनाव भी पीछे रह चुके हैं। तो इंडिया को यूज़ करना है कि वो चाइना को बिजी रख सके, ताकि चाइना एक ग्लोबल परस्पेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नज़र आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया एक बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया को गिराने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ तरक्की हासिल की थी पिछले तो अमेरिका के पैसे पर की थी, आज इंडिया वो कर रहा है। तो अगर जितनी भी तरक्की है उनको अगर आप इस परस्पेक्टिव में देखो तो आपको भी एक फीकी नज़र आएगी। हाँ बहरहाल ठीक है, हमारा हमसाया है, हमें उनसे कुछ मोटिवेट होने की ज़रूरत है, लेकिन हम जितना भी मोटिवेट हो लें जब तक हम इस गेम को नहीं समझेंगे और अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम अमेरिका की झोली से अपने आप को आज़ाद कर लें, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम